Radhika got with session number 14 of your chapter Improvement in Port Resources. And in this session here, we are going to discuss about the question answers of our exercise. So, let's start with the question number 1. What is genetic manipulation? How is it useful in agriculture practices? Genetic manipulation kya hota hai? Manipulation kya hota hai? And ye agriculture practices mein kaise use hota hai? Actually, genetic manipulation is the incorporation of desirable characters into an organism by hybridization, mutation, DNA recombination, etc. जो genetic manipulation होता है, ये incorporation of desirable characters होते हैं organism में, जो hybridization, mutation, DNA recombination, etc. की वजह से होता है. Clear? That genetic manipulation is the incorporation of desirable characters into the organism by hybridization, mutation, DNA recombination, etc. And by genetic manipulation, improved variety of seeds can be obtained having desirable characters like high yield, disease resistance and better adaptability. जो genetic manipulation है, इसकी वजह से क्या होता है? Improved variety seeds की हमें मिल सकती है, जो desirable characters के होंगे, like high yield के होंगे, disease resistance होंगे और better उनकी adaptability होगी. Clear? That by genetic manipulation, improved varieties of seeds can be obtained having desirable characters like high yield, disease resistance and better adaptability. The next question is, how do storage grains losses occur? ये जो storage grains losses हैं, ये कैसे होते हैं? Actually, एक तो biotic factors होते हैं, एक abiotic factors होते हैं. ये दोनों ही grains के storage को affect करते हैं. First, जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, दैट इज इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, फंगीज हैं, माइट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इनकी वजह से जो ग्रेन स्टोरेज है उनको लॉस होता है. अलोंग विद दैट जितने भी हमारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं, लाइक इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर हुआ, टेम्परेचर कंडीशन हुए इनअप्रोप्रिएट, ये सब यदि हमारे स्टोरेज के प्लेस पे अवेलेबल हैं, तो भी हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको लॉस हो जाता है. क्लियर? जो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर है, दोनों ही ग्रेन्स के लॉस को अफेक्ट करते हैं. बायोटिक फैक्टर में इंसेक्ट, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, फंगीज की वजह से जो ग्रेन्स हैं उनमें लॉस हो जाता है, जबकि जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें मॉइस्चर और टेम्परेचर की इनअप्रोप्रिएट कंडीशंस की वजह से ग्रेन्स में लॉस हो जाता है. इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स यूज्ड इन फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स को क्यों यूज किया जाता है? एक्चुअली मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड to improve soil fertility and increase crop productivity. जो manures हैं, जो fertilizers हैं, उनका जो use होता है, वो soil fertility को improve करने के लिए होता है, और जो crop productivity है, उसे increase करने के लिए होता है. Is that clear? That manure and fertilizers are used to improve soil fertility and increase crop productivity. तो simple सी बात है, कि यदि हमें manures और fertilizers का use हम कर रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए करते हैं, ताकि जो soil फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए. दे ऐड डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ये सॉइल को एक वैल्यू में, एक अमाउंट में, जितने उन्हें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उतने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन व्हिच इंश्योर्स हाई यील्ड. आपको क्रॉप प्रोडक्शन का कोई एक ऐसा मेथड बताना है जो हाई यील्ड इंश्योर करे. तो द बेस्ट मेथड इज इंटरक्रॉपिंग. यस, इंटरक्रॉपिंग इज अ मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन व्हिच इंश्योर्स हाई यील्ड. इंटरक्रॉपिंग क्रॉप प्रोडक्शन का ऐसा मेथड है जो हाई यील्ड जो प्रोडक्शन है उसे यील्ड करता है. इट इज मेथड इन व्हिच टू और मोर क्रॉप्स हैविंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफाइनेट पैटर्न. इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स जिनकी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें एक साथ ग्रो कराया जाता है एक ही फील्ड पे और एक ही डेफिनेट पैटर्न में. क्लियर? जैसे कुछ लाइंस में हमने इंटरक्रॉपिंग करा दी. क्लियर? तो उससे क्या होता है, ज्यादा स्पेस नहीं जाता, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिलते हैं, और साथ ही साथ में जो हमें क्रॉप है उसकी एक हाई यील्ड मिल जाती है. सो इज दैट क्लियर? दैट इंटरक्रॉपिंग इज अ मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन व्हिच इंश्योर्स हाई यील्ड. Your next question is, what are advantages of intercropping and crop rotation? Crop rotation and intercropping के advantages क्या हैं? First, अभी हम study कर लेते हैं intercropping के advantages. So, intercropping ensures maximum utilization of nutrients supplied and gives better returns.
जो इंटरक्रॉपिंग है उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करती है वो, और उसे हम ऑब्वियसली हमें बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता था, मैंने आपको बताया था, इंटरक्रॉपिंग में सिर्फ इतना होता है कि इंटरक्रॉपिंग में जो क्रॉप्स हैं उनको एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो कराया जाता है, उन्हें एक ऐसे पैटर्न में ग्रो कराया जाता है कि उनसे हमें बेटर रिटर्न्स मिले और न्यूट्रिएंट सप्लाई वैलिड वे में हो पाए। दैट्स व्हाई इट हैव्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। और क्या होता है, जो इंटरक्रॉपिंग है इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। क्लियर। अब बात आती है क्रॉप रोटेशन की, तो क्रॉप रोटेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, इट हैव्स इन रेप्लिशमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी की रेप्लिशमेंट करने में क्रॉप रोटेशन वर्क करता है। इट एनहांसेस द प्रोडक्शन फ्रॉम अ सिंगल फील्ड, एक ही फील्ड से प्रोडक्शन को ये एनहांस कर देता है। दैट इज हम कई टाइप की क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे हमारी इकोनॉमिकल वैल्यूज भी बढ़ेंगी, प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा, सॉइल फर्टिलिटी भी रैपलिनेश होगी, क्लियर, वो भी इंक्रीज होगी। इट प्रिवेंट्स डिप्लीशन ऑफ सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो क्रॉप रोटेशन है इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं उनके डिप्लीशन को ये प्रिवेंट करता है और जो फर्टिलाइजर्स की नीड है उसे रिड्यूस भी करता है। इज दैट क्लियर। That crop rotation helps in replenishment of the soil fertility. It enhances the production from a single field and it prevents depletion of selective nutrients and reduces the need of fertilizers. Your next question is, how do good animal husbandry practices benefit farmers? जो good animal husbandry practice हैं, वो कैसे farmers को benefit provide करती हैं? Clear? First, एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एनिमल्स। द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स आर, सिंपली बात है, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या करती है, वो फार्म एनिमल्स का एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू हम बेटर बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। वो बेनिफिट्स क्या होते हैं, फर्स्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड्स हैविंग गुड डिजायरेबल करेक्टर्स। जो ब्रीड्स हैं जिनकी अच्छे डिजायरेबल करेक्टर्स हैं हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड, बेटर यील्ड इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो ब्रीड है या फिर जो वी कैन से जो बेनिफिट है उसमें क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, दोनों में ही हमें एक यील्ड देखने को मिलती है, बेटर यील्ड मिलती है। क्लियर। दैट बेटर यील्ड इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी अलॉन्ग विद दैट रिडक्शन ऑफ इनपुट कॉस्ट। जो इनपुट कॉस्ट होती है उसका भी रिडक्शन होता है। दैट इज हमें इतना इनपुट कॉस्ट नहीं देना पड़ता जितना हमें आउटपुट बेनिफिट मिल जाता है। So these are the some practices, we can say animal husbandry practices that benefits farmers directly. Clear? Your next question is, what are the benefits of cattle farming? Cattle farming के क्या benefits रहते हैं? First, we get milk from cattle. हमें cattle से milk भी मिलता है जो nutritive होता है, जो obviously हमारी health के लिए, children's की growth के लिए, सबके लिए required होता है। हम काफी सारे इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं मिल्क के थ्रू, हम काफी सारी स्वीट्स बना सकते हैं, काफी सारे डिशेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अलोंग विद दैट केटल्स आर आल्सो एम्प्लॉयड फॉर लेबर वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड्स। इसके साथ साथ जो केटल्स हैं वो हमें वो जो लेबर वर्क होता है एग्रीकल्चर फील्ड्स में उनके लिए भी यूज होती है। दैट इज जो लेबर वर्क है उसके लिए भी केटल्स यूज हो रहे हैं और हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिटिव और वी कैन से प्रोटीन्स प्रोवाइड करने के लिए भी वो सब्सटेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कैटल फार्मिंग इज बेनिफिशियल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। आप कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? एक्चुअली कैप्चर फिशिंग क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कैप्चर फिशिंग में क्या होता है, कैप्चर फिशिंग में हम फिश को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम फिश को ऑब्टेन करते हैं। इट इज अंडरटेकन इन बोथ इनलैंड एंड मैराइन वाटर। जो कैप्चर फिशिंग है वो मैराइन वाटर और इनलैंड वाटर दोनों में ही हो सकता है। दैट इज इनलैंड भी पॉसिबल है और मैराइन वाटर्स में भी ये पॉसिबल है। सिंपल सी चीज ये है, हम जो फिश है उसे नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैरीकल्चर। मैरीकल्चर में क्या होता है, द मेराइन फिशेज आर कल्टिवेटेड इन कोस्टल वाटर ऑफ इंडिया ऑन कमर्शियल बेसिस। जो मेराइन फिशेज हैं उन्हें कोस्टल वाटर्स जो है इंडिया के वहां पे कल्टिवेट किया जाता है कमर्शियल बेसिस के लिए। जो मैरिकल्चर है इसमें मिलेट्स, भेतकी, ईल, मिल्क फिश, ये फिश कुछ इंपोर्टेंट फिशेज हैं जो कमर्शियल बेसिस से कल्टिवेट की जाती है। क्लियर। अभी हमने स्टडी किया अबाउट कैप्चर फिशिंग, मैरिकल्चर। नेक्स्ट है हमारा एक्वाकल्चर।
It involves the production of high economic value aquatic plant and animal by proper utilization of available water in the country. एक्वाकल्चर में क्या होता है, हम हाई इकोनॉमिक वैल्यू के एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स को प्रोडक्ट करते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं ताकि हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए ऑफ अवेलेबल वाटर इन द कंट्री. वाटर में जितना हमारी कंट्री में जितना भी वाटर अवेलेबल है, क्लियर, उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, हाई इकोनॉमिक हमें वैल्यू मिल जाती है और एक बेटर क्वालिटी के एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें मिल जाते हैं बाय द एक्वाकल्चर. क्लियर. इट इंक्लूड्स मैरीकल्चर एंड फ्रेश वाटर कल्चर फिशरी. जो एक्वाकल्चर है उसमें मैरीकल्चर और फ्रेश वाटर कल्चर फिशरी दोनों ही आते हैं. दैट इज इन दोनों, ये दोनों जो है वो एक्वाकल्चर के ही पार्ट्स हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग. किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पोल्ट्री फिशरीज और बी कीपिंग में क्या कॉमन है. Actually, a good and improved variety should be selected. सबसे first need क्या होती है हमारी, कि एक good और improved variety को select करना होता है. Proper shelter facilities should be given. एक proper shelter facilities दी जानी चाहिए. And disease control should be done properly. और जो disease control है वो भी हमें properly करना चाहिए. यदि हम ये तीनों चीजों को ध्यान में रखेंगे तो poultry, fishes and bee keeping में तीनों में ही हमें production increased quantity में मिलेगा. क्या है वो तीन चीज, first good and improved variety should be selected. Second, proper shelter facilities should be given. Third, disease control should be done properly. Is that clear? So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व आउट कर लिया. इंडेक्स क्वेश्चन को हमने इससे पहले वाले सेशन में कर लिया था. तो अभी यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था उसका हो चुका है the end. That is, our chapter is finished now. But obviously, अभी चैप्टर फिनिश हुए हैं, अभी सिलेबस खत्म हुआ है, बट क्वेरीज तो ऑब्वियसली अराइज होंगी ना. तो वेन एवर यू हैव क्वेरी यू कैन कमेंट बिलो. एंटिल देन फॉर योर एग्जामिनेशन आई विल विश यू गुड लक.